सीखने के फायदे। मोबाइल रिपेयरिंग करना बहुत ही आसान है और इसमें कमाई जो है वो दोगुना चौगुना है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी कमाई है इसमें। और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो लगभग 10 से 25 हजार रुपए में आप किसी भी अच्छा मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर से आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। और अगर आप लगन और मेहनत से अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखेंगे तो लगभग 3 से 6 महीने में आप आसानी से मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं खुद मोबाइल रिपेयरिंग सीखा हूँ, तो यहाँ पर मैं मोबाइल रिपेयरिंग की पूरी जानकारी पार्ट बाय पार्ट करके दूंगा, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा है, तो एक ही वीडियो में सारी जानकारी नहीं आएगी। तो मैं पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो में एक एक चीज को अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही मतलब लाभदायक होगा। तो मोबाइल रिपेयरिंग के फायदे ये हैं कि आप जो है कम से कम महीने का 25 से 30 हजार रुपए आप आसानी से कमा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी अनलिमिटेड कमा सकते हैं, 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार महीना। तो इस तरह से आप जो है मोबाइल रिपेयरिंग सीखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और मोबाइल रिपेयरिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मोबाइल रिपेयरिंग के जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही सस्ते आते हैं, और उसकी आमदनी जो है वो दोगुनी से चौगुनी तक होती है। और जो एक्सेसरीज और मोबाइल सेट में भी अच्छी खासी कमाई होती है, और पुराने व सेकेंड हैंड मोबाइल हैंडसेट को आप बेच करके या फिर कोई कस्टमर का सेकेंड हैंड फोन आप ले करके जो खराब हुआ हो उसे आप बना करके बेच करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और जो अन्य दुकान वाले हैं, जो मोबाइल शॉप वाले हैं, आप उनके भी सेट को रिपेयरिंग करके पैसा कमा सकते हैं, और रिचार्ज मोबाइल रिचार्ज और सिम बेच करके पैसा कमा सकते हैं। वैसे जब से जियो आया तब से तो रिचार्ज की बैंड बज गई। तो सॉफ्टवेयर फ्लैश करके भी आप जो है बिना मेहनत के सिर्फ दिमाग लगा के आप पैसा कमा सकते हैं। और ज्यादातर जो आपके मोबाइल आ रहे हैं उसमें जो है सॉफ्टवेयर का ही प्रॉब्लम होता है, तो उसमें सिर्फ आपको फ्लैशिंग करना रहता है। सॉफ्टवेयर फ्लैश करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और साथ में आप मेमोरी डाउनलोड करके भी पैसा कमा सकते हैं, और चार्जर, मेमोरी कार्ड रीडर, पेन ड्राइव और ये सब बैटरी, ये सब आप बेच करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और नए गाने और मूवीज को भी आप डाउनलोड करके लोगों के मेमोरी कार्ड में भर के आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ डिटेल्स में बता देता हूँ। जैसे कि जो मोबाइल का स्क्रीन गार्ड आता है, जो ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, तो यहाँ मुंबई में स्क्रीन गार्ड लगाते हैं तो लगभग 200 से 350 रुपए लेते हैं, कोई कोई 500 रुपए भी लेता है। तो इसकी जो खरीदी होती है वो 35 से 40 रुपए होती है एक स्क्रीन गार्ड का, और इसमें कई क्वालिटी भी आता है, कोई 35 का, कोई 40 का, कोई 60, कोई 80, इस तरीके से खरीदी आता है। तो लगभग ज्यादातर 35 से 40 रुपए ही आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। लोग जो है आपको बताते हैं कि ये क्वालिटी है या ये कंपनी का है, ये महंगा है, ये सस्ता है, इस तरीके से। तो इन पर जो है अच्छा कमाई होता है। अगर आप एक स्क्रीन गार्ड लगाते हैं तो आपको 150 से 200 रुपए की कमाई होती है। और जो ईयरफोन होते हैं, वो ईयरफोन जो है जो आप मार्केट से लाएंगे तो उसमें जो है ईयरफोन ऐसा मतलब बन जाता है, जैसे कि कोई ईयरफोन 15 रुपए की खरीदी होती है तो कोई 18 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 25 रुपए, ऐसा मतलब उसकी खरीदी होती है ईयरफोन की। और उस ईयरफोन को जो आप अभी देखेंगे मार्केट में 80 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए का जो ईयरफोन मिलता है, उस ईयरफोन की खरीदी लगभग 16 से 20 रुपए होती है बस। और जो थोड़ा अच्छा क्वालिटी के होते हैं वो 40 से 45 रुपए की खरीदी होती है उनकी। तो अगर आप दिन में 2-4 ईयरफोन भी अगर आप बेचते हैं तो आपको 100 से 200 रुपए, मतलब कि एक ईयरफोन पर आपको 50 से 100 रुपए तक कमाई हो सकती है। अगर आपने 5 बेच दिया तो समझ लो 400 से 500 रुपए की कमाई आपको हो जाएगी। और जो मोबाइल के कवर जो आते हैं वो कवर लगभग 55 से 60 रुपए आता है खरीदी उसका, और उस कवर का 200 से 300 रुपए ऐसा लेते हैं लोग।
तो मोबाइल कवर पे भी डबल ट्रिपल कमाई होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपको बताया। डेटा केबल की बात करते हैं, डेटा केबल जो है 20 रुपए खरीदी आता है और जो अच्छे क्वालिटी का होता है वो 35 रुपए खरीदी आता है। तो डेटा केबल को 20 वाले को 50 से 60 रुपए में बेचते हैं और जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं जो बॉक्स में पैक होते हैं उनको 150 से 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए इस तरीके से बेचा जाता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मोबाइल एक्सेसरी में जो है चाइना मतलब कि ओरिजिनल और कॉपी दो करके आता है। तो अगर आपका ओरिजिनल है तो ओरिजिनल थोड़ा महंगा होता है लेकिन बेनिफिट जो है वो दोनों में दुकानदार को बेनिफिट सेम होता है। जैसे कि अगर आपने सैमसंग की बैटरी या सैमसंग का चार्जर आपने लिया तो अगर आप ओरिजिनल सैमसंग की चार्जर लेते हैं तो वो लगभग 400 से 450 रुपए तक आता है जबकि उसकी खरीदी सिर्फ 150 से 200 रुपए होती है। और अगर आप ये कॉपी अगर लेते हैं चाइना अगर लेते हैं चार्जर तो ये जो अभी आप देख रहे हैं जो चार्जर 100 रुपए 120 रुपए चार्जर मिलता है वो चार्जर की खरीदी 25 रुपए होता है। 25 से 35 रुपए 30 रुपए खरीदी आता है और 100 120 रुपए में वो चार्जर बेचा जाता है। और ARD की बैटरी है और भी सारी कई सारी बैटरी होते हैं जो उन पर भी अच्छा पैसा मिलता है। मतलब कि मोबाइल एक्सेसरी में अच्छा पैसा होता है। ये बात हुई मोबाइल एक्सेसरी की। मतलब कि अगर आप दिन में भी 2 4 6 आइटम भी अगर आपका मोबाइल एक्सेसरी में बिकता है तो आप 1000 2000 रुपए आसानी से कमाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोबाइल रिपेयरिंग की कमाई की। मोबाइल रिपेयरिंग की कमाई में अगर आप किसी का ये लगाते हैं टच स्क्रीन किसी का फूटा हुआ है तो अगर आप टच स्क्रीन लगाते हैं तो टच स्क्रीन बहुत ही सरल होता है लगाना। अगर मोबाइल कॉम्बो नहीं है, कॉम्बो का मतलब कि डिस्प्ले और टच एक ही साथ नहीं है, अगर अलग अलग है तो टच लगाने का लगभग 800 रुपए लोग लेते हैं, 600 से 800 रुपए, 400 500 मोबाइल के हिसाब से होता है। जितनी बड़ी मोबाइल उतना ज्यादा दाम। मोबाइल रिपेयरिंग में आपको जो है मोबाइल रिपेयरिंग में कोई फिक्स दाम नहीं होता है, आपको सामने वाले को देखना होता है कि सामने वाला किस कैटेगरी का है, पैसे वाला है या देखने से गरीब लगता है और उसका मोबाइल कौन सा है। अगर मोबाइल महंगा है तो पैसा अच्छा मिलेगा, अगर मोबाइल सस्ता वाला है तो पैसा कम बोलिए। तो इस तरीके से सामने वाले को देख करके पैसा बोला जाता है। तो अगर आप एक इसका ये टच स्क्रीन अगर आप लगाते हैं तो टच स्क्रीन 250 से 300 रुपए खरीदी आता है टच स्क्रीन का और उसे लगा करके 500 से 600 रुपए 800 रुपए ऐसा बेचा जाता है, दिया मतलब दिया जाता है लगा करके। तो इसके पीछे आपको एक टच स्क्रीन अगर आप लगाते हैं तो 300 से 400 रुपए की कमाई आपको होती है। और अगर डिस्प्ले आप लगाते हैं तो डिस्प्ले में भी यही एवरेज 400 से 500 रुपए कमाई होती है। लेकिन अगर आपका जो डिस्प्ले है या टच है वो मिला करके अगर आपका 800 से 1000 रुपए की खरीदी आ रहा है तो उसको लगा करके 1500 से 1800 2000 इस तरह से पैसा लिया जाता है। और अगर किसी का चार्जिंग पॉइंट अगर खराब हो गया है तो चार्जिंग पॉइंट लगाने का वैसा अगर साधारण मोबाइल है सिंपल है जैसे बटन वाला है या फिर सैमसंग का छोटे मोटे फोन है तो जो अगर बटन वाला है तो उसका 100 से 150 रुपए लिया जाता है। और अगर आपका एरिया अच्छा है सोसाइटी अच्छा है तो उसका जो है 200 से 300 रुपए 250 300 रुपए लिया जाता है। उस चार्जिंग का जो पॉइंट होता है उसका खरीदी आता है 15 रुपए 20 रुपए 10 रुपए ऐसा उसका खरीदी आता है। तो सीधे सीधे आपको इस पे 150 से 200 रुपए की कमाई होती है अगर आप एक चार्जिंग पॉइंट लगाते हैं तो चार्जिंग सॉकेट लगा उसको चार्जिंग सॉकेट बोलते हैं। तो अगर आप कोई किसी का अगर माइक खराब हुआ है या फिर स्पीकर खराब है या रिंगर खराब है तो अगर ये खराब है तो माइक जो है वो जो जिसमें बोलते हैं जहां आवाज आपका मतलब कि उस तरफ जाता है यहाँ से उसे माइक कहते हैं। तो माइक का जो है खरीदी 4 रुपए आता है सिर्फ छोटा वाला अगर माइक है तो 4 रुपए आता है। अगर वैसा माइक है अगर गोल्डन माइक है जो सैमसंग वगैरह में लगता है तो उसकी खरीदी 40 से 50 रुपए आता है। तो उसको अगर
आपकी माइक की खरीदी अगर 30-40 रुपए है तो उसको लगा करके 200 से 250-300 में दिया जाता है। और जो नॉर्मल जो ये वायर वाला ये होता है माइक होता है छोटा वाला, वो लगभग 3 से 4 रुपए की खरीदी आता है और उसको लगा करके 150 से 200 रुपए लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 4 रुपए की माइक को लगा के 200 रुपए ले जाता है, मतलब कि सीधे सीधे पूरा का पूरा कमाई आता है इसमें। 4 रुपए खर्च होता है और सीधे सीधे आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आपको 150 से 200 रुपए मिल जाता है। तो इस तरीके से रिपेयरिंग में जो है पैसा काफी होता है। तो आप ये एक्सेसरीज के कमाई के बारे में आपने जाना और मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में आपने जाना। मोबाइल रिपेयरिंग में और भी बहुत सारे, मोबाइल रिपेयरिंग में तो बहुत सारा है जो मैं आगे आपको पार्ट बाय पार्ट बताऊंगा, सब पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित, क्या जरूरतें हैं, क्या सामान लगता है और किस तरीके से रिपेयर किया जाता है, मतलब कि A to Z जानकारी मैं आपको दूंगा यहाँ पर। आप जो है अगर मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को पार्ट बाय पार्ट आप देखिएगा, बीच से नहीं, Part 1, Part 2, Part 3 करके। तो यहाँ पर मोबाइल एक्सेसरी की कमाई के बारे में आपने जाना और ये मोबाइल रिपेयरिंग की कमाई के बारे में आपने जाना। अब इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग में जितना ज्यादा पैसा आता है वैसे ही अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया या आपने थोड़ा सा भी अगर लापरवाही करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फटका लगता है। इसलिए आप इस बात को ध्यान दीजिए कि मोबाइल रिपेयर करते समय आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, आप सेफ्रेड रहें और पूरी तरह से दिमाग को स्थिर करके आप मोबाइल रिपेयरिंग करें। और जहां मोबाइल रिपेयरिंग आप करेंगे वो टेबल काफी अच्छा साफ सुथरा और बड़ा हो, जिससे कि आपको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसमें जो है जैसे कि अगर आपने किसी मोबाइल फोन को खोला है बनाने के लिए तो उसमें वही जो स्क्रू आप निकालेंगे वही स्क्रू उसमें लगाइएगा। अगर आपने जल्दबाजी में या ध्यान नहीं दिया, ऐसा आपने कहीं रख दिया और कोई और स्क्रू लेकर के आप उसमें अगर कस देंगे तो इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर थोड़ा सा भी अगर स्क्रू बड़ा हुआ, थोड़ा सा भी अगर उसका साइज से बड़ा हुआ तो सीधा वो स्क्रू डिस्प्ले से बाहर आ जाएगा और उसका डिस्प्ले फूट जाएगा। तो सीधे सीधे आपको उस कस्टमर को डिस्प्ले, आपको अपने घर से पैसा लगा के नया डिस्प्ले लगा के देना होगा। और जो हीट करते हैं जो गन, उसको गन बोलते हैं, गन मशीन बोलते हैं, तो गन से जो हीट करते हैं लोग गर्म करते हैं, अगर आपने उसको थोड़ा भी अगर ज्यादा किया या फिर थोड़ा ज्यादा टाइम तक अगर आप रखते हैं तो मदरबोर्ड पूरी तरह से खराब हो सकता है। अगर मदरबोर्ड नहीं तो दूसरा कई पार्ट्स होते हैं जो खराब हो सकते हैं। और जो मदरबोर्ड पे जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, ये जो है ये गर्म होके उखड़ के सब निकल जाएंगे। तो इसलिए आपको मोबाइल रिपेयरिंग में इतना ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इतना ध्यान देना पड़ेगा और इतना सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी कि पूछिए मत। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही किया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप मोबाइल रिपेयरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हर एक बारीकी को ध्यान से देखिए। और सबसे जरूरी बात है कि आप जो है मोबाइल रिपेयरिंग को पहले अच्छी तरह से सीखिए कि मोबाइल रिपेयरिंग होता कैसे है। और इसमें जो है जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो इस तरीके से आप जो है नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। पहली बार आप जब मोबाइल रिपेयरिंग करने जाएंगे तो आपके हाथ जो है वो कांपेंगे। और दूसरी बात, इसमें माइक्रो सोल्डर होता है और एक बड़ा वाला सोल्डर होता है, तो आपको दोनों पर प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि मोबाइल का जो PCB होता है, जो मदरबोर्ड होता है, उसमें इतने छोटे पार्ट्स होते हैं, इतने बारीक पार्ट्स होते हैं और उनको जो है सोल्डरिंग करते समय ना आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा और उसके लिए आपको पहले से जमाना होगा, अपने हाथ को जमाना होगा ताकि आप जो है आसानी से कर सकें। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें थी जो शुरू में बताना बहुत जरूरी था। तो ये जो है मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित जो है ये कुछ ऐसी जानकारी है जिससे आपको
मोबाइल रिपेयरिंग सीखने से पहले मालूम होना बहुत जरूरी है। अब आगे जो है मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग के सभी स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको सारी प्रोसेस बताऊंगा, जिसमें काफी बड़ा है ये प्रोसेस। तो ये जो है कई पार्ट में वीडियो में बनाऊंगा, पार्ट 1 2 3 4 ऐसा करके वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पार्ट बाय पार्ट इस वीडियो को देखिएगा। और जहां तक मेरा मानना है, आप जो है ये मेरा वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ या जो भी जानकारी मैं देता हूँ, जब तक उस जानकारी को मैं सर्टिफाइड खुद नहीं कर लेता, जब तक कि मुझे ये पूरी तरह से विश्वास नहीं हो जाता कि ये जो है सही जानकारी है और इससे जो है लोगों को नुकसान नहीं होएगा, फायदा होएगा, तब तक मैं उस जानकारी को ये पब्लिश नहीं करता, मतलब कि उस जानकारी को अपलोड नहीं करता हूँ। और कुछ वीडियो जैसे होते हैं जहाँ पर कि जिनमें आपको फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है, तो वहां पर मैं उसके बारे में भी बताया हूँ कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है, या आप अपने रिस्क पर ये करना चाहते हैं तो ही करें। तो मैं जो है अपने सभी वीडियोस पे मतलब वो पूरी तरह से सर्टिफाइड रहता हूँ, इसके बाद ही देखता हूँ। तो इसलिए अगर आप जानकारी के लिए अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपको अच्छी जानकारी और सर्टिफाइड जानकारी मिलेगी। सिर्फ जैसे कि YouTube पर मैंने देखा है बहुत से लोग बहुत सारे वीडियोस डालते हैं, कुछ भी डाल देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं, और देखने के बाद खुद समझ में नहीं आता कि है क्या। तो ऐसा नहीं है, हमारा मतलब कि हमारा चैनल पे, मेरे चैनल पे आपको जो भी जानकारी मिलेगी वो एकदम परफेक्ट मिलेगी, और उन सब के पीछे मैं हूँ। कुछ भी अगर आप इस कोई भी वीडियो है और उससे संबंधित अगर आप जानकारी पूछना चाहते हैं तो आप YouTube पर वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप ज्यादा डिटेल्स में जानकारी चाहते हैं तो आप जो है मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मोबाइल रिपेयरिंग की प्रोसेस जो है नेक्स्ट पार्ट 1 से शुरू होगा।